रात को जो है तोतों के बच्चे भी मैंने सेपरेट कर दिए, क्योंकि रात को इसके बच्चे चेक कर रहा था तो इसके चार बच्चे, पांच बच्चे निकाले थे और चार मर गए, एक बच्चा भी जिंदा है। जब से वहाँ से यहाँ निकाला है तो समझे कि इसके बच्चे थे और मैंने बाहर निकाला था, पर इसने फिर भी मार दिए, काफ़ी बड़े किए, पर ये कि मर गए। फिर खिलाना इसने छोड़ दिया तो वो मर गए। और इसके अलावा जो है यहाँ के बच्चे भी मैंने वहाँ सेपरेट कर दिए, किसके थे दो बच्चे, उसके उस जोड़े के दो बच्चे थे, इधर तीन बच्चे थे, सारे मैंने सेपरेट किए। पर अभी सुबह आया तो एक बच्चे को जो है ना, जिसके तीन बच्चे थे जोड़े के, एक बच्चे को किसी ने सुबह मारा हुआ। उसकी आँख पहले बराबर वाली मादी ने ख़राब कर दी थी, वो तो कल देखा मैं, उसको दवाई ववाई लगाई है, सही हुआ था। उसके अलावा जो है अभी ये सुबह आया तो इसको ज़ख्मी किया हुआ इस तरह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। इसका जो है बच्चा आखिरी वाला, वो भी मर गया। मेरे को इनकी ये पिंजरे जो है ना अभी साफ सूफ करने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे को लग रहा है यहीं से इनको बीमारियाँ लग रही हैं। इसका एक बच्चा भी नहीं रहा और अभी इनका इंतज़ार है कि कितने दिन में ये जो है तीतर के जो है बच्चे निकालेंगे। तीन इसके नीचे, एक इसके नीचे, देखते हैं इंशाल्लाह कि कितने दिन में निकाल लेते हैं। और ये मादी देख रहे हैं आप लोग, पहले से काफ़ी बेहतर है, अभी खुद भी खाने की कोशिश करती है। ये मादी भी पहले थोड़ा थोड़ा नज़ला है, इंशाल्लाह ये भी जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको जैसे पता है कि किसी बीमारी के अंदर आ जाए कोई इंसान भी आए तो सही होने के बाद भी हफ्ता 15 दिन अपना सेट होने में लगता है, इसी तरह इन लोगों का भी हिसाब होता है। अभी माशाल्लाह काफ़ी बेहतर है, खा पी भी रहे हैं, खुद भी थोड़ी कोशिश कर रहे हैं खाने की, पर यह कि कमज़ोरी है और इसके से अभी तीन चार दिन पाँच दिन लगेंगे, ये अपनी जगह पर सेट हो जाएंगे। और कल एक लोटिनो मर गया मेरा। इसके अलावा ये इस गलती इसमें समझेंगे तकरीबन मेरी है, क्योंकि एक हाथ को लगा था तो मैंने उसका उसी टाइम ट्रीटमेंट करना चाहिए था, नहीं किया। अभी इनमें से भी एक के इसको दाना आ रहा है, उसको भी अभी दवाई ववाई लगा दी। और एक की जैसे हल्की सी आँख ख़राब थी जो ऊपर जो बैठा हुआ है, तो इसको भी मैंने अभी लगाई है, पॉलीफ्लेक्स लगाई है, कतरे नहीं डाले। कतरे असल में ख़त्म हो गए थे बेटनासोल एन के, तो वो मैं ले लिए थे मैंने, पर वो मैं घर रख के आ गया हूँ। अब अभी जाऊँगा तो लेते हुए आऊँगा और उनके दोबारा ड्रॉप्स डालूँगा। फिर मैं तीन चार दफ़ा इन लोगों को मैं लाजमी ये ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। फिर भी जो है जिसकी ज़िंदगी पूरी हो जाती है समझो, वो मतलब मर ही गया आखिर। उसको मैंने बहुत कोशिश की पर नहीं बच सका वो। इसके अलावा जो है मास्टर केज माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, साफ़ सुथरा, एक इससे से खूबसूरत लग रहा है और एक इसकी सेटिंग बहुत ज़बरदस्त हो गई है। बाकी लकड़ियाँ जो लगाई हैं मैंने बीच में डंडियाँ, इससे ये जो है गिर जाती हैं। अब इसका कोई सही प्रॉपर इंतज़ाम करूँगा कि सही से लग जाए। और माशाल्लाह ये सारे सेट हैं, पर इनको मैं भी उधर मास्टर केज में इसलिए नहीं छोड़ रहा क्योंकि आपको जैसे पता है कि कबूतर जो हैं वो मारते हैं इनको। असल में पानी भी मैं भी बहुत कम दे रहा हूँ, ज़्यादा पानी नहीं दे रहा। ये नौ के नौ चूज़े जो हैं माशाल्लाह सेट हैं। इंशाल्लाह आगे चल के बड़ी मुर्गियाँ भी लेके आऊँगा। वैसे मैं बड़ी मुर्गी इसलिए नहीं लाता कि पता नहीं कैसी हो, उसका मारने वाली हो, क्योंकि फ्रेंडली है हर मुर्गी जो है नहीं होती। जैसे आपने देखा था पिछली गिनी फॉल्स भी थी, वो असल में बड़ी लेके आए थे तो वो आदत थी इन लोगों को मारने की, तो वो हमें भी मारती थी। और उसके अलावा मारती क्या थी, हमला करती थी, मतलब होता नहीं था कुछ भी, इतनी सी चोंच से क्या होगा। बस जो है कबूतरों को और बाकी परिंदों को मारती थी, जिसके से उनको बारबेक्यू इनका बनाना पड़ा। और ये गिनी फॉल इसलिए इतनी वो नहीं है, फ्रेंडली है, क्योंकि ये उसके घर की पली हुई है और वो जो है ना छोटे बच्चों से ही बड़ी हुई थी। दुकानदार ने बोला था कि यार मेरे पास ही ये बड़ी हुई है, मतलब बाहर इतनी घूमी नहीं, तो इसलिए ये जो है ना दोनों बिल्कुल फ्रेंडली है, ज़्यादा किसी को ना तंग करती है, अपना घूमती फिरती रहती हैं। ऐसा परिंदा होना चाहिए जो सेटअप पर रहे तो अच्छा भी लगे। इसी तरह जो है मैं बड़ी मुर्गियाँ भी इसलिए डर के नहीं लाता, पर अब देखूंगा किसी के पास अच्छी मुर्गी हो जो मतलब मारे ना, आपस में लड़े ना। बच्चे लाने का फ़ायदा ये होता है कि सारे बच्चे मिल घुल के खेलते हैं, वरना आपको पता है मुर्गियाँ आपस में लड़ती बहुत हैं। इसलिए जो है अब इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि बड़ी भी लेके आऊं, ऐसी लेके आऊं जो लड़े ना। एक और बैड न्यूज़, रफ्तारी के बाद ये आया तो ये दो लोटिनों भी मर गए और बाकी काफ़ी सुस्त बैठे हैं। इनको देखता हूँ वरना इनको भी अलग इधर से हटा के दूसरे पिंजरे में करता हूँ, और इधर दो जो हैं इधर के जो बीमार हैं उनको देख लेता हूँ एक दफ़ा, अगर ज़्यादा बीमार हुए तो इनको भी अलग करता हूँ। उसके अलावा जो है यहाँ चलते हैं और आज चेक करते हैं बटेर ने अंडा दिया या नहीं दिया। नहीं, बटेर का अंडा नहीं है।
एक दिन छोड़ के एक अंडा दे रहा है बटेर। हाँ नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा जो है माशाल्लाह फिंचीज ने जो है ना, ये देख रहे हैं इन्होंने अपना घोंसला एक यहाँ बनाया हुआ है, ये आप लोगों को दिख रहा होगा। और बाकी काफ़ी ने अपना जो है नेस्टिंग जो है मटेरियल लेके गए और बहुत प्यारे प्यारे घोंसले बना लिए हैं। ये जो है छोटी कॉलोनी है, इन चार चार जोड़ों की कॉलोनी है, इनकी माशाल्लाह अच्छी वो है। इन लोगों ने अपने अपने जो है घोंसले बना लिए हैं। और इधर भी माशाल्लाह जो है काफ़ी फिंचीज जो है जिन्होंने अपनी अपनी कॉलोनी बना ली, और जो थोड़ी बहुत सुस्ती अल्लाह के हुक्म से वो सारी सेट हो गई हैं। बस रमज़ान था, थोड़ी सी सेटिंग जो आउट हुई थी उसकी वजह से जो है मतलब थोड़ा बीमारी आई हुई थी, अब जो है अल्लाह के हुक्म से सेट हो रही है। और अब सुबह जो है डेली आगे पानी चेंज करता हूँ, क्योंकि रात भर का जो पानी होता है वो सुबह चेंज ना हो तो क्या बोलते हैं अपना, उसी के अंदर से जो इनको बीमारी लगती है। अभी सुस्त जो थी ना काफ़ी, वो ख़त्म हो गई हैं अभी, मतलब इतनी ज़्यादा सुस्त नहीं है, सेट हो गई हैं। अब जो आगे भी इंशाल्लाह ऐसे ही चल के ना ऐसे सुबह सुबह आके इन लोगों को डेली जो है पानी चेंज करूँगा, ताकि जो है ये फ्रेश पानी पिए और कोई भी इनको बीमारी अटैक ना करे। कितने दिन से मैं सोच रहा था कि इनका मैं पानी हटा दूं और एंटीबायोटिक का पहले पानी पिलाऊं इनको, ताकि हल्की फुल्की जो इनके अंदर बीमारी हो या कोई भी वायरस आ रहा हो तो ख़त्म हो जाए। तो आज जो है फाइनली मेरा माइंड बन गया और मैंने इस कॉलोनी का भी जो है बर्तन हटा दिया फिंचीज का, और बचरी के जो पट्ठों की कॉलोनी है इसमें से ही मैंने पानी हटा दिया। कल इंशाल्लाह सुबह इनको एंटीबायोटिक का सबसे पहले पानी दूंगा, उसके अलावा जो मास्टर केज में से भी हटा दिए और यहाँ का भी हटा दिए। इंशाल्लाह कल सुबह जो है इन सबको सबसे पहले जो आके एंटीबायोटिक का पानी दे दूंगा, ताकि जो है किसी के अंदर भी कोई वायरस आ रहा हो तो ख़त्म हो जाए। क्योंकि काफ़ी आपको पता है डिस्टर्ब हुआ था पहले मुर्गियाँ, फिर इसी तरह लोटिनो, और अभी काफ़ी माशाल्लाह इम्प्रूवमेंट है। दिन में चार दफ़ा समझे इनको मैं दवाई लगा रहा हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये भी ठीक हो जाएंगे। अब जिनकी ज़िंदगी नहीं थी वो मर गए, और जो है इंशाल्लाह इनको पूरी कोशिश करूँगा, अल्लाह करे तो बच जाएँ। बड़ी उससे शौक से और उससे लिया था मैंने, खैर होता रहता 19-20 तो कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह बहुत जल्दी ये ठीक हो जाएंगे। आगे चल के इंशाल्लाह इनके पूरे जोड़े कंप्लीट करके 10 पूरे जोड़े कंप्लीट करूँगा, और इंशाल्लाह 10 जोड़े पूरे चलाऊँगा इंशाल्लाह इस सेटअप के ऊपर मिनी सफारी पार्क के अंदर इंशाल्लाह। और जो है इसके जो है एक ही बच्चा, कल भी आपको मैंने बताया था कि इसका एक ही बच्चा बचा है और वो भी काफ़ी मतलब नाजुक हुआ हुआ है हालत उसकी। तो इस जोड़े को ये समझे कि वहाँ से निकालने के बाद ये जोड़ा सिर्फ डिस्टर्ब हुआ है, इधर बाकी जो है सारे सेट हैं। इसके अलावा इस जोड़े को मैंने अब चेंज करना है, 2-3 दिन में इसको भी चेंज कर दूँगा, क्योंकि अभी अंडे हैं। मैं चेक कर लूँ इस दफ़ा, क्या पता कि ये शायद बच्चे बच्चे निकाल ले। और आज एक्वेरियम भी जो है हमने पानी डाल के रख दिया है, ताकि देख लें कि लीक तो नहीं कहीं से। अगर लीक नहीं हुआ तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है इधर मछलियाँ भी आ जाएंगी और बहुत प्यारा लगेगा, समझेंगे तकरीबन सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब तो ईद के बाद जो है बाकी सेटअप को मतलब चलाएंगे आगे के, किस तरह चलाना है और क्या लेके आना है इंशाल्लाह ईद के बाद की जो है सारी सेटिंग बनाएंगे, उसके बाद जो है यहाँ पे सब सामान लेके आते जाएंगे। तो ये थी आज की हमारी वीडियो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाजमी लाइक करना, और हमारे चैनल मिनी सफारी पार्क को लाजमी सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन भी दबाना, ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।